हेलो एवरीवन, इंस्ट्रूमेंटेशन विथ राजेश में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, और पाँच लगभग 5 मिनट का वीडियो हमने उसमें पोस्ट भी किया, हम लोगों ने डिस्कस भी किया इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों इंस्ट्रूमेंटेशन आज की सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की ब्रांच हो गई है। आज उसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक होगा कि कंट्रोल वाल्व क्या होता है। हम कंट्रोल वाल्व के बारे में बात करेंगे, ऑन ऑफ वाल्व के बारे में बात करेंगे, इनका यूज क्या है, ये क्यों यूज किए जाते हैं। जैसा टॉपिक आज का है कि व्हाट इज ऑन ऑफ वाल्व, ये ऑन ऑफ वाल्व होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और ये इंडस्ट्री में किस पर्पज़ से लगाया जाता है, यही सब पॉइंट्स हैं आज के डिस्कशन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑन ऑफ वाल्व। इसमें हमने एज अ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व या फ्लो वाल्व दैट आर यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ पाइप और अ सिस्टम। ठीक है, तो ये एक तरह से वाल्व हमारे एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होते हैं। जैसे हमने कोई प्रेस लाइन को, किसी भी पैरामीटर को हम मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ मान लीजिए हम फ्लो ही देख रहे हैं कि हमारा कितना फ्लो जा रहा है। ट्रांसमीटर सिग्नल को लेता है, ट्रांसमीटर के थ्रू हमने सिग्नल को ट्रांसफर किया कि हाँ कंट्रोल रूम में मैसेज गया कि इतने फ्लो पे चल रहा है। मान लीजिए कि 10 लीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से अभी उसको हमको कम करना है या बढ़ाना है, तो उसके पास ही हमारा जो ये वाल्व लगा रहता है, तो हम उसको या तो उस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ओपन और क्लोज करके लाइन लाइन के जो लाइन का जो भी फ्लो है हम कम और ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन ये जो ऑन ऑफ वाल्व है, ये बेसिकली होता क्या है कि ये सीधे लाइन को या तो बंद करेगा या तो चालू करेगा, फ्लो को या तो रोक देगा सीधा सीधा या तो सीधा सीधा ओपन कर देगा। इसमें दो ही कंडीशन होते हैं, ऑन और ऑफ। तो इसलिए कह रहा है कि अ टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व, मतलब एक ऐसा टाइप फ्लो का, फ्लो कंट्रोल वाल्व का, जिसमें जो है जिसका पर्पज होता है केवल दो, या तो लाइन को बंद करना या तो लाइन को चालू करना। किसमें? किसी भी फ्लूड, जो भी लाइन हमारी है, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है, तो उसको या तो बंद करना है या तो चालू करना है, उस कंडीशन में हम ऑन ऑफ वाल्व का यूज करते हैं। और ये आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज शट ऑफ वाल्व। इसको और दूसरे किस नाम से जानते हैं? शट ऑफ वाल्व के नाम से। शट ऑफ मीन्स बंद, मतलब सीधा जो है या तो बंद करो या तो चालू करो। अब इसमें इसको ऑपरेट करने के लिए, चूंकि इसमें दो ही कंडीशन होता है, या तो ऑन या ऑफ, तो इसके लिए हम सोलेनाइड वाल्व का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम वाल्व को कमांड देंगे बंद होने का या ओपन होने का। क्योंकि वाल्व तो हमारे एयर से ऑपरेट होते हैं, और हमारा सोलेनाइड वाल्व होता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, तो इस हिसाब से जो है सोलेनाइड वाल्व में भी दो ही कंडीशन होते हैं, या तो ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा। तो जैसे हमारा इनपुट एयर आता है और वहाँ सोलेनाइड वाल्व के पास रुका रहता है, सोलेनाइड वाल्व को जैसे हम एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो भी हमारा रूट है, रूट क्लियर होगा और इनपुट एयर जो भी होता है वो सीधा आउटपुट से निकल के और किसको जाता है? हमारे वाल्व के, या तो जो भी एक्चुएटर है या सिलेंडर है वहाँ जाता है और वाल्व को जो है ट्रेवल कराता है। अब वो डिपेंड करता है कि वाल्व जो है एयर टू ओपन है या एयर टू क्लोज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या क्लोज एयर टू ओपन होगा तो एयर देने से वाल्व ओपन हो जाएगा, अगर एयर टू क्लोज होगा तो एयर देने से वाल्व क्लोज हो जाएगा। और दूसरा इसमें टॉपिक्स है, इसमें मोस्ट कॉमनली ऑन ऑफ वाल्व में एक और पॉइंट्स होता है लिमिट स्विच का। इसका भी बहुत अच्छा रोल है, और ये क्यों यूज किया जाता है? वाल्व के स्टेटस को देखने के लिए, कि वाल्व जो है ओपन है या क्लोज है, ये उसको उसके कंडीशन को डिटेक्ट करता है हमारा लिमिट स्विच, और फीडबैक सिग्नल देता है कि वाल्व का
स्टेट करंट स्टेटस क्या है, तो इस पर्पज से हम लिमिट स्विच भी यूज करते हैं। और दूसरा, वाल्व में अगर कोई भी ट्रेवल का प्रॉब्लम्स आता है या उसका जीरो फीडबैक नहीं मिलता है या 100 का फीडबैक नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में हमको वाल्व को जो है कैलिब्रेट करना पड़ता है। और उसके लिए हम एक फिशर का पोजिशनर यूज करते हैं, जो आप लोग देखे होंगे DVC 6500 एक मॉडल होता है फिशर का, उसको जो है हम लोग यूज करते हैं इसके कैलिब्रेशन के लिए। और एक और इसका पर्पज होता है PST का पर्पज, पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट, जिसको हम फील्ड के थ्रू जब भी हम किसी वाल का जो है पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस फिशर DVC 6200 6500 मॉडल का जो है यूज करते हैं। देखिए, आज का हाइलाइटेड पॉइंट होता है, 3 पॉइंट्स है, सोलेनाइड वाल्व, लिमिट स्विच और पोजिशनर। ये 3 टॉपिक्स आए, तो इन 3 टॉपिक्स पे हम अगले स्लाइड में वीडियो बनाएंगे। आप कंटिन्यूस वॉच कर रहे होंगे अगर हमारे वीडियो को, तो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। और डेली अपडेट्स के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो है नए नए जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे, उस टॉपिक्स पे मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। अब आता है कैलिब्रेशन की बात, तो वाल का कैलिब्रेशन आपको जो है इसी स्लाइड में, जस्ट अभी हम फील्ड में कैसे कैलिब्रेट करते हैं वाल को, उसको जो है मैं आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट ट्रैक्स का यूज करते हुए कैसे कैलिब्रेट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, वो सब चीज़ें आपको जो है हमारे इसी स्लाइड में मिलेगा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अभी हम दिखाएंगे आपको ये हर ट्रैक से जो है कैसे हम पोजिशनर को पावर भी देते हैं, और ये लूप लूप का मतलब कनेक्शन भी होता है। देखिए, हम लूप प्लस पावर में उसका कनेक्शन करेंगे, और ये हमारा पोजिशनर जो है पोजिशनर को ट्रैक्स डिटेक्ट करेगा, और कम्युनिकेशन हमारा इसके थ्रू होगा, ट्रैक्स के थ्रू उसका होगा। देखिए, अभी जो है ये ट्रैक्स हमारा कनेक्ट हो रहा है पोजिशनर, हाँ, हार्ड डिटेक्टेड, और दिखा रहा है आपको सिस्टम उस पर ट्रैक्स पे। हाँ, देखिए, अभी इसमें जो है जो फीडबैक आ रहा है 2% का एरर है, यही प्रॉब्लम्स है इस वाल का, जो प्रॉब्लम है कि क्लोज पे 2% फीडबैक जा रहा है, जो दिखा रहा है कि 2% वाल ओपन है, तो ये गलत है। इसी का जो है हमें क्या करना है कि शॉर्ट आउट करना है, इसके लिए हम इस कैलिब्रेशन करेंगे। उसके लिए ऑटो कैलिब्रेशन में, देखिए ये ऑटो कैलिब्रेशन में जाएंगे, ट्रेबल कैलिब्रेशन में जाने के बाद ये ऑटो कैलिब्रेशन के लिए शुरू हो गया। लेकिन इसके लिए सबसे मेन पॉइंट्स क्या है कि हमारा जो है SOB एनर्जाइज होना चाहिए, और कैलिब्रेशन कभी भी जो हम आउट ऑफ सर्विस में जाके करते हैं तो SOB एनर्जाइज होगा, जिससे जो है SOB के से हमारा एयर आउट होगा जो हमारे वाल्व को जाएगा, तब हमारा वाल्व उसी हिसाब से ट्रेबल होगा। और कैलिब्रेशन के लिए तो हमको एयर जो है कंपलसरी चाहिए, बट क्या है कि अभी बाय मिस्टेक एयर हमारा लाइनअप नहीं है, जिसके वजह से हमारा कैलिब्रेशन, ये होने वाला कैलिब्रेशन फेल होगा, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये देखिए कैलिब्रेशन दिखा रहा है कि प्रोग्रेस है, लेकिन क्या होगा कि ये सिकिंग हाई ड्राइव स्टाफ ढूंढ रहा है, लो ड्राइव स्टाफ ढूंढ रहा है, लेकिन ये देखिए इनसफिशियंट ट्रेबल की वजह से वाल हमारा वाल का कैलिब्रेशन फेल हुआ। क्योंकि एयर नहीं है तो ट्रेबल नहीं हो रहा है, और ट्रेबल नहीं होगा तो कैलिब्रेशन हमारा सक्सेस नहीं होगा। तो अभी देखिएगा ट्यूब उसका पूरा एयर का जो है हम SOB का दिखाएंगे कि SOB के जितने भी फीडबैक इंडिकेशन है हमारे वो रेड दिखा रहे हैं। देखिए, चारों हमारे SOB के जो है इंडिकेशन ये क्लोज हैं, मतलब रेड है, मतलब कि जो है हमारा वाल्व को एयर नहीं जा रहा है, एयर नहीं जा रहा है तो हमारा वाल्व का कैलिब्रेशन नहीं होगा। ये हमारा लिमिट स्विच का इंडिकेशन भी दिखा रहा है कि ये वाल्व हमारा क्लोज है, और पोजिशनर में भी देख सकते हैं आप, बट पोजिशनर में ऑलरेडी हार्ड कम्युनिकेट ये ट्रैक्स कम्युनिकेट